लगभग नहीं तय वैसे ही है, ना। सतीश जी के पास जा रहा हूं मैं, कि राहुल जी अमेठी से और प्रियंका जी रायबरेली से, लगभग तय। लेट्स सी, टचवुड में गलत ना बढ़ूं, चूंकि मेरे सूत्र बहुत पक्के हैं। क्या स्ट्रेटजी दिख रही है आपको? रैली अमेठी हो प्लस तीसरा चरण भी सामने खड़ा, उस पर थोड़ी टिप्पणी कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा अनिरुद्ध जी कि मीडिया स्पेस जितना इस दो नामों को लेकर, ये दो कंस्टिट्यूएंसी को लेकर पूरी मेनलाइन मीडिया ने कांग्रेस पार्टी को दिया है, तो इसकी अमूमन उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं की जा सकती थी। तो एक स्ट्रेटजी तो ये भी रही होगी, और कर ही रहे हैं, हम लोग भी चर्चा इस वक्त कर रहे हैं। तो पहली चीज़ ये है, और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हमको लगता है कि दोनों लड़ेंगे, नहीं तो एक जरूर लड़ेंगे, ये तो पक्का है, कोई रास्ता नहीं इनके पास। ये रही एक पहली बात। दूसरी बात, अभी हमने चर्चा सुनी, सारी बातें सुनी, हमें तो कभी कभी आश्चर्य करने वाली बात भी, सब लोग कह रहे थे भाजपा वाले, तो हमें तो लगा कि कहीं बृजभूषण सिंह को नकल उतार दें, या बृजभूषण सिंह के बेटे को तो आज उतार ही दिया है। तो एनीवेज, तो ये भी है, हम लोग किसी पक्ष के हैं नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ नीरज जी, जो अब मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। मैं कहता था कि ये चुनाव एक तरफा है, मोदी ब्रांड का एकदम जो है अक्षुण्ण है, कोई उसके सामने नहीं है, लेकिन मेरे विचार में ये चुनाव खुल चुका है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगले 48 घंटे, 5 जो अपना 7 तारीख है, उस समय तक ये इस पूरे 2024 के चुनाव का सबसे निर्णायक दिन है, ये बात आप समझ लीजिए। क्यों ऐसा क्योंकि क्यों कह एक रहे हैं आप? तरफ ब्रांड मोदी है, मोदी की गारंटी है। अभी आप, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, पहले और दूसरे राउंड, अब तब 284-85 हो जाएगा 7 तारीख को, और पहले दो राउंड में जो रिपोर्टें आ रही है उसके हिसाब से तो पता नहीं क्या है, हमको नहीं लगता ये हाफ हाफ से तो ज़्यादा है, कम नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं है, एक तरफा तो बिल्कुल नहीं है। तो एक बात ये, अब आप देखिए कि दूसरे चरण के चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी अपने 2014 के टेम्पलेट पर चली गई है, उसमें पाकिस्तान भी आ गया है, उसमें क्या नाम है वो मुस्लिम लीग भी है, उसमें धन का ध्रुवीकरण और उसको बांटने का भी है, मतलब इस तरह की बात है। और इस तरफ मैं इतना आपको दावे से कह सकता हूँ, आप लोग से ज़्यादा घूमता हूँ, ये जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, जो पॉपुलिस्ट हैं, जो फ्रीवी वाली हैं, मैं कह रहा हूँ जो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो प्रलोभन पर प्रलोभन फेंक रहे हैं, वो महंगाई और बेरोजगारी और अवसर की कमी वाली चीज़ों को उन्होंने चिपका दिया है, इस बात को आप समझ लीजिए। और इनको क्या हो रहा है, इसलिए मैंने कहा कि ब्रांड मोदी की बात है, मोदी की गारंटी, मैं तो मानता हूं कि मोदी जी की गारंटी वाला जो घोषणा पत्र है वो बहुत विजनरी है, और वो क्या कहते हैं, स्टेट्स की जो पॉलिसी होनी चाहिए वो उस हिसाब से है, तो आप लेकिन ये कह रहे इन लोगों सतीश ने जी कि अब मामला कांटे का है। लिया भाजपा से, पहले आप कह रहे, पहले आपको ऐसा लग रहा था कि एक तरफा है, मैं कह रहा हूं अब आपको लग रहा है कांटे का है। मैं पूरे नॉर्थ इंडिया, मैं नॉर्थ इंडिया के एक एक सीट को मैं सीट टू सीट फाइट मान रहा हूं। लोकल टाइप, ध्यान से सुन लीजिए मेरी, जिसमें मेरा स्टेट बिहार भी है, कोई एक सीट नहीं है जो कोई पार्टी कह सकती कि हम चुनाव जीत रहे हैं, ये बात समझ लिए। प्रेम कुमार जी, आप इसको कांग्रेस वालों को कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट कहें, वेलफेयरिस्ट कहें, है दिक्कत। और एक चीज और, अभी आप देखिए 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी शायद अयोध्या जा रहे हैं, रोड शो वगैरह भी है, सुना है मैंने। तो अब वो जो, इसलिए मैंने कहा ना कि बहुत निर्णायक टेम्पलेट में परिवर्तन जी, और रस्साकसी, कर्नाटक का रवन्ना कांड वगैरह 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 सब चीज आ रहा है। आज तो पाकिस्तान भी आ गया, वो फवाद खान वाला भी। हाँ, फवाद खान तारीफ कर रहा। प्रेम कुमार जी बताइए, क्या माहौल लग रहा है आपको, और राहुल और प्रियंका के लड़ने से क्या परिवर्तन पड़ेगा उत्तर प्रदेश में या देश के चुनाव में? देखिए देखिए नीरज जी, नहीं लड़ने को लेकर के तो बहुत दिनों से हवा चल रही है कि नहीं लड़ेंगे, डर गए, भाग गए, कि इस तरह से चल ही रहा है। तो लड़ेंगे तो एक तो हो गया कि वो हवा खत्म हो जाएगी, जो अब तक भाई हमारे शिवम त्यागी जी बोलते रहे हैं, वो हवा खत्म हो जाएगी लड़ने से। दूसरा ये है कि ये जो दो कंस्टिट्यूएंसी है, ये कंस्टिट्यूएंसी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति को बताती है,
एक कांग्रेस अध्यक्ष की कंस्टिट्यूएंसी सोनिया गांधी की और दूसरा राहुल गांधी की जो पूर्व अध्यक्ष की कंस्टिट्यूएंसी, तो इस हिसाब से महत्वपूर्ण है। और इसके आगे इसका महत्व ये है कि इस कंस्टिट्यूएंसी को जोड़ते हुए कांग्रेस अपनी संख्या को 8, 6, 10 कहीं भी स्थिर कर सकती है। पहले चरण में कुछ सीटें हैं जहां कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है, उसमें 2 और एड ऑन हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश में सिर्फ सीट की संख्या बढ़ाना, माहौल बनाना, अपने आप को पूरे देश में संदेश देना, ये सब एक महत्व है। और सबसे बड़ा महत्व है कि वो अपना गढ़ बचा रहे हैं, कांग्रेस का प्रतीक है, इस हिसाब से इसका महत्व है। अब इसमें एक बात, जो भी आज तक चर्चा हुई है इन सीटों को लेकर, सोनिया ये सोचती हैं, प्रियंका वो सोचती हैं, राहुल गांधी ऐसा सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं सब हम लोगों को पता चल जाता है। और उसके हिसाब से हम बता रहे हैं असमंजस है तो क्यूरियोसिटी है तो सारे फैक्टर्स भी रख देते हैं, लेकिन सच ये है कि उन्होंने अपने मुंह से कुछ कहा नहीं। और उसके बाद ये इतिहास भी बताता है कि नॉमिनेशन वो आखिरी दिन ही करते आए हैं, तो फिर भी इस विषय पर इतनी चर्चा हुई है। तो सतीश के सिंह सर सही कह रहे थे कि मीडिया ने राहुल गांधी प्रियंका गांधी के कंस्टिट्यूएंसी को इतना महत्व दिया है, इसका मतलब ये है कि 2024 के चुनाव में भावी प्रधानमंत्री का जो है वो लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, इस पर इस रूप में देश देख रहा है। जी आप भी तो वही मतलब आप भी तो वही सोच के बोल रहे हो जो आरोप आप दूसरों के ऊपर लगा रहे हो। देखिए नहीं, एक मिनट पहले सुनो। देखिए बहुत लोग इसकी आलोचना करते हैं कि जो आप भी कह रहे हो कि इसको इतना स्पेस, इसको रायवली अमेठी को हमेशा सर इतना स्पेस मिलता है। राहुल गांधी का चुनाव हारना बहुत बड़ी घटना थी राजनीतिक पटल पे, आप समझ रहे हैं इस बात को। इसको आज अगर प्रियंका जी रायवली से लड़ने जा रही, उत्तराधिकारी उनकी बन सकती है वो कांग्रेस में सोनिया जी की, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, इसलिए स्पेस मिलेगा इसको। सुनिए सर, अच्छा एक चीज पहले ही बताओ। नहीं एक मिनट रुको, आज आपका बैकग्राउंड बदला हुआ है भगवा कलर का, ये क्या चक्कर है? उस दिन तो हरा था। नहीं है, येलो कलर का अलमीरा। हला ना ना स्क्रीन दिखाओ, फुल पर दिखाओ। ना 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 कुछ गेम कर दिया आपने सर। इसीलिए आपके चश्मे के बारे में इतनी चर्चा होती है। अरे प्रेम जी आज फंस गए आप, आज फंस गए, बहुत हरा दिखा रहे थे उस दिन मुझे। चलो चलो बताओ, कंटिन्यू करो। देखिए नीरज जी, आपने जो बताया महत्व है, हार का जितना महत्व है ना, उसी हिसाब से इस बार राहुल गांधी के जीत का भी महत्व होगा। हम यूं ही तारीफ में थोड़े बोल रहे हैं कि वो भावी प्रधानमंत्री है। अगर विपक्ष जीतेगा तो भाई एक कैंडिडेट तो है ही भावी प्रधानमंत्री के तौर पे, ये कोई ऐसी बात तो है नहीं। और टाइट कॉन्टेस्ट है पूरे देश में, ऐसा भी नहीं है। सज्जन जी की राय ली जाए, सज्जन जी क्या माहौल बन रहा है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है दोनों लोगों का उन क्षेत्रों से लड़ने का, तीसरे दौर के मतदान का जहां पे एनडीए के पास 84 सीटें हैं। पहले देख लीजिए, दोनों सीट पे कांग्रेस की एक दुविधा है। दुविधा ये है कि गांधी परिवार में जो राहुल जी हों या प्रियंका गांधी, ये लोग चुनाव हारना नहीं चाहते। 2014 में भी एक सजेशन था कि बनारस से आप लड़िए, निश्चित तौर पे हार पक्की थी, लेकिन उससे एक मैसेज ये जाता कि फाइटिंग स्पिरिट है। अब दिक्कत ये है कि चुनाव पार्टी को लीड करना है, लेकिन हारने पे बहुत ज्यादा चिंता हो तो वो मैसेज सही नहीं जाता है। आपको स्ट्रगलिंग दिखना चाहिए अपने क्षेत्र में। तो यहाँ पे एक मैसेज ये गया कि आप जब वायनाड से जीते और अमेठी से हारे, तो 5 सालों में आप देखेंगे राहुल गांधी की स्पीच में, वो शायद कॉन्शियसली नहीं था लेकिन इनडायरेक्टली वो आने लगा कि वो धीरे धीरे थोड़ा सा नॉर्थ वर्सेस साउथ वाले लाइन में जाने लगे कि भाई मैंने देखा साउथ में जाके, वहां का एक कल्चर है, तमिलनाडु का एक कल्चर है, केरला एक कल्चर है। भारत जोड़ो यात्रा में आपने सबसे ज्यादा समय जो है वो केरला को दिया। अब इसके पीछे होता क्या है कि डिस्प्रोपोर्शनेट आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, और साउथ इंडिया की जो कुछ रीजनल पार्टी है, जो एंटी सनातनी हो या एंटी बीजेपी हो, एंटी हिंदुत्व हो, वो पार्टियां जो है सबसे ज्यादा साउथ वर्सेस नॉर्थ के फॉल्ट लाइन को पिछले 1-2 साल से आगे बढ़ा रही हैं, और राहुल जी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस तरफ दिखते हैं। तो स्थिति अभी ये है
कि अगर आप अमेठी और रायबरेली जो कि परंपरागत सीट आपकी रही है काफी लंबे समय से, रायबरेली लंबा है, अमेठी 1980 से है जैसा कहा गया, तो मैसेज ये बिल्कुल क्लियर चला जाएगा कि आपने अपने हार के कारण पूरे नॉर्थ इंडिया को, यूपी को एबेंडन कर दिया और आप कहीं ना कहीं साउथ वर्सेस नॉर्थ की नैरेटिव में फंस रहे हैं। तो इसलिए वहां पे आप हारे या नहीं हारे आपकी उपस्थिति जरूरी है। इसलिए हमें लगता है कि जो आपके सूत्र बता रहे हैं उसकी एक तार्किक संभावना ज्यादा प्रबल दिखती है। दूसरा, उसमें हेजिटेशन क्यों? हेजिटेशन इसलिए है कि रीजनल पार्टीज तो फिर भी अपना ग्राउंड थोड़ा बहुत होल्ड कर लेती हैं इन सब राज्यों में, हिंदी पट्टी में हो या बहुत सारे राज्यों में। अखिलेश यादव चुनाव हारे लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी टैली 100 के करीब बढ़ाई, 150 सीट के करीब वो गए। लेकिन कांग्रेस अभी भी यूपी बिहार वगैरह में वैशाखी के सहारे है, इनके क्षत्रिय दलों के समर्थन से, तो चुनाव लड़ने में अब रायबरेली तो अभी तक चली आ रही है, अमेठी में क्या होगा और दोबारा जो हार होगी उसमें क्या होगा कि उनकी स्थिति और खराब होगी कोर में। तो ऐसे में कैच 22 सिचुएशन वाली हाल है, नहीं लड़े तो मामला जाएगा कि आप यूपी और नॉर्थ के खिलाफ वाली नैरेटिव के पार्ट हैं। सज्जन एक मिनट, लड़के हार गए। सज्जन दो दो छोटी छोटी टिप्पणियां, मतलब एक ही सवाल है उसकी टिप्पणी चाहिए। अमेठी की दुविधा मेरे हिसाब से ये होगी और राहुल जी की